हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। आप सबको बता दूं, ये हमारी ट्रैवल सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग लोंगेवाला वॉर म्यूज़ियम विज़िट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग तनोट माता मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर शाम को डेजर्ट सफारी का मज़ा लिया जाएगा। अगर बात की जाए लोंगेवाला और तनोट माता मंदिर की, तो इन दोनों जगहों का 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जो कि जैसलमेर से लगभग 124 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने अटैक किया था इंडियन आर्मी पर, और हमारी सेना ने बड़ी ही बहादुरी से पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। ये मेमोरियल उस ऐतिहासिक जीत को डेडिकेटेड है। जो सामने आप देख रहे हैं, ये है जवान मेमोरियल, और इसी के साथ में है लोंगेवाला 1971 रोल ऑफ ऑनर। इस दीवार पर अंकित है हमारे वीर जवानों के नाम, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी टैंक्स को तहस नहस कर दिया था। इस तरह की जगह पे आके बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है अपने देश, अपने कल्चर पर और अपनी इंडियन आर्मी पर। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर इस जगह को विज़िट करिए। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल को विज़िट करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है तनोट माता मंदिर। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल को विज़िट करने के बाद हम लोग निकले तनोट माता मंदिर के दर्शन के लिए, और यकीन मानिए हम लोग पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसके लेफ़्ट साइड में पाकिस्तान बॉर्डर है। तनोट माता मंदिर की रोचक बातों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो ये है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। मंदिर में पूजा अर्चना का जिम्मा बीएसएफ के हाथों पर है। कहा जाता है कि 1965 और 1971 की वॉर में इस मंदिर के आसपास करीब 3000 बॉम्ब बरसाए गए थे और करीब 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे थे, लेकिन ये बॉम्ब फटे ही नहीं और आज भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। ये वही बॉम्ब हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने इस मंदिर के ऊपर बरसाए थे। तो ऐसी है तनोट माता की महिमा। मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले डेजर्ट सफारी के लिए। उल्टी ना चली जाए।
डेजर्ट सफारी और कैमल राइड के साथ हमने अपने डे 3 को बड़े ही अमेजिंग तरीके से एंड किया। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ टू रिमेंबर ब्लॉग्स और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।